रिजवान धोनी का मुवाजना हरभजन बड़क उठे। साबिक भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह मद्दाह के महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद रिजवान के दरमियान मुवाजना करने के सवाल पर बड़क उठे। समाजी राब्ते की साइट एक्स ट्विटर पर पाकिस्तानी सहाफी ने साबिक भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद रिजवान की तस्वीर शेयर करते हुए सवाल पूछा कि कौन ज्यादा बेहतर है, पर हरभजन सिंह बड़क उठे। उन्होंने ट्वीट करने वाले से सवाल किया, क्या आप आजकल सिगरेट तो पी रहे हो? हरभजन ने दोनों क्रिकेटर्स के दरमियान मुवाजना को अहमकाना करार देते हुए लिखा कि भाई तो बताओ, धोनी ने रिजवान से बहुत आगे है, रिजवान से पूछोगे तो वो भी बताएगा, ये सवाल ही गलत। आज भी आलमी क्रिकेट में धोनी से बेहतर कोई नहीं। अहमद शहजाद उमर अकमल से मुतालिक स्पोर्ट्स तजियाकार के अहम इंकशाफात। मारूफ स्पोर्ट्स तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग ने उमर अकमल और अहमद शहजाद से मुतालिक अहम इंकशाफात कर दी। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बतौर मेहमान शरीक होने वाले मारूफ स्पोर्ट्स तजियाकार मिर्जा इकबाल बेग ने शो के एक सेगमेंट में मेजबान ने मुख्तलिफ खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाई और उनसे मशवरे मांगे कि आप क्या कहेंगे, जिस पर मिर्जा इकबाल बेग ने साबिक टीम मैनेजर वहाब की तस्वीर देखकर कहा कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार न बने। दूसरी तस्वीर उमर अकमल थी, जिस पर उनका कहना था कि ये तीनों भाई कमरान, उमर और अदनान टैलेंटेड हैं। एक वाक्या सुनाते हुए स्पोर्ट्स तजियाकार ने कहा कि साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उमर अकमल खेलने गए थे, तहम उन्हें मिकी आर्थर ने अनफिट कहकर वापस वतन। वुमेन फुटबॉल का अचानक इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के सीनियर प्लेयर मलिका नूर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर का ऐलान कर दिया। माजी राब्ते की साइट इंस्टाग्राम पर मलिका नूर ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि ये उनका जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार न थी और चाहती थी कि मजीद और चंद साल पाकिस्तान के लिए खेलें। तहम अब सूरत हाल बदल चुकी है और वो इंटरनेशनल इवेंट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रही हैं। मलिका नूर 2010 में बनने वाली पहली पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल टीम की अहम रुकन थी और अब तक होने वाले हर अहम इवेंट में उन्होंने बतौर डिफेंडर कौमी टीम की नुमाइंदगी का एजाज हासिल किया।